हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यह है सुबह सुबह का भी फ़िलहाल टाइम, और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं टेस्टी टेस्टी हेल्दी सैंडविचेस, जो कि आप देख सकते हो ब्राउन ब्रेड के, और अंदर प्रॉपर एकदम सही वाली फीलिंग है सभी वेजिटेबल्स की। तो इसमें मैं आपको बता दें हमने कौन कौन से वेजिटेबल्स डाले। तो इसमें हमने डाले हैं स्वीट कॉर्न, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, और साथ में है पनीर और ग्रीन चिली। ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल बारीक काट के, और इसे ना अच्छे से हम प्रेस कर देंगे, जिससे कि जब फिलिंग और ब्रेड अच्छे से एक साथ हो जाए, और जब इन्हें सेका जाए तो बिल्कुल भी इसमें से फिलिंग निकले ना, गिरे ना। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टोस्टी किया हुआ है। और बहुत ही अच्छे सैंडविचेस बनते हैं ऐसे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कम फ्लेम पे मैं बना रही हूँ, जैसे कि सैंडविचेस क्रिस्पी बने और जले ना। ये हमारे सैंडविच बन रहे हैं, आप कंटिन्यू व्लॉग एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा ये सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम दूसरा वाला सैंडविच हमारा अच्छे से सेक लेते हैं। ये वाला सैंडविच हमारा सिक रहा है। और यहाँ पे है चाय के बर्तन, जो कि अभी साफ़ करने हैं, साफ़ नहीं किए हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद, सैंडविचेस के बाद साथ में हम ये चाय के बर्तन भी साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे ब्राउन ब्रेड वगैरह सब रखी हुई है। ये यहाँ पे हमारे सैंडविच तैयार है। सॉस देखिए कि सैंडविच से डाली हुई है ऊपर, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बन गई हैं, बहुत टेस्टी थी। और साथ में ही हम सैंडविचेस के साथ बना लेंगे मैंगो शेक। तो आप देख सकते हो कितने फ्रेश मैंगोस हैं, बहुत ही अच्छा बना था इसका मैंगो शेक। और बहुत ही ये बड़े साइज़ के मैंगो थे, मतलब 2 किलो के करीब थे ये, और 3 मीटर थे इसके अंदर। तो इसकी रेसिपी हम शेयर करना भूल गए थे, तो इसके साथ मैंने फ़ोटो अटैच कर दी मैंगो शेक की। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, काम करने के बाद सारा हम ऊपर के चले गए थे छत पे, जो कि है कनक पीसने के लिए कनक का आटा। तो आप देख सकते हो ये है गेहूँ, वहाँ पे मैं साफ़ कर रहे हैं कनक को, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम घर पे ही आटा पीसने वाले हैं। अब हमारे पास घर पे ही आटा पीसने वाली चक्की है, तो हम उससे ही पीसेंगे। और मैंने यहाँ पर सोचा कि आपको तब तक प्लांट्स दिखा दूँ। ये है मनी प्लांट, देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे, मेरे को ना ये जो छोटे उसमें होते हैं ना, जैसे कप वगैरह में या फिर छोटे पॉट्स में होते हैं, वो प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे को बड़े गमलों से ज़्यादा छोटे पॉट्स में ही प्लांट लगाने अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लांट बहुत अच्छा लगता है ये। ये हमारे प्लांट्स हैं, और ये आप बॉक्स में देख सकते हो, ये छोटे छोटे टमाटर हैं, टमाटर उग रहे हैं। ये कड़ी पत्ता, उसमें हमने 2 स्टोन डाल रखे हैं पेंट करके गोल्डन कलर के। ये बहुत प्यारा है प्लांट, मतलब इसकी ना छोटी छोटी ऐसी बेल सी होती है, एकदम छोटे छोटे लीव्स की, वो बहुत टाइट होते हैं लीव्स जैसे। अभी आगे जो प्लांट आएगा ना, मैं उसमें दिखाऊँगी उसके जैसे होते हैं सेम। ये भी मनी प्लांट था। और ये आप देखो पर्पल कलर का, ये है पत्थर चट जिसमें फ्लावर आता है, साथ में ये छोटी सी हल्दी जिसमें पत्ते खिल रहे हैं। और ये सॉरी, मैंने हल्दी बोल दिया, अदरक थी वो, हल्दी नहीं थी, अदरक थी। हल्दी दूसरी वाली थी जिसका बड़ा प्लांट था वो। ये है सदाबहार, तो आप देख सकते हो सदाबहार के प्लांट पर यहाँ पर फ्लावर बहुत ज़्यादा चींटे आते हैं, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है चींटियाँ आ रखी हैं, सभी पे ऐसा हाल है, जहाँ 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 फ्लावर है वहाँ पर वहाँ चींटियाँ हैं।
और जो अभी मैं आपको कह रही थी ना कि ऐसा प्लांट है, तो ये जो अभी आपको देखी नीचे ये वाली, उसके जैसे उसके लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है पर्पल फ्लावर्स। ये है हमारे मिर्ची के प्लांट्स जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लगी हुई हैं। और ये है हमारा नींबू का प्लांट, अगर मैं गलती हूँ तो शायद ही नींबू ही है। और ये यहाँ पे इसके अंदर भी डाल रखा है, यहाँ पे भी रखे हुए हैं प्लांट्स कुछ। और ये आप देख सकते हो कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं, मजेंटा कलर, बेबी पिंक कलर, दोनों कलर के फ्लावर्स हैं। और इसमें काफ़ी हद तक ये आ रखे हैं, तो काफ़ी फ्लावर्स आएंगे इनमें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये एक मैंगोज लेके जा रहे हैं, मतलब डेली वाला अंकल आया था, फ्रूट वाले अंकल आए थे, मैंगोज एंड वाटरमेलन थे उनके पास। अब आपको पता गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा यही फ्रूट चल रहे हैं, लीची, वाटरमेलन और मैंगो। मैंगो सबका फेवरेट होता है, वाटरमेलन भी सबको बहुत पसंद है। तो यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारी इसी के साथ थोड़ी बहुत कनक साफ़ हो गई है और थोड़ी सी बाकी है अभी, तो अभी हम जो कनक है उसे थोड़ी सी धूप लगा देंगे। वैसे ही ऑलरेडी सुखाई हुई है, सूखने के बाद हमने फिर से साफ़ की थी, पहले भी साफ़ की थी, धोई थी, बट अब फिर से साफ़ की और हमने थोड़ी सी धूप में डाल दी थी साफ़ करने के बाद अच्छे से। और अब हम इसका आटा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कनक जो हमने है डाल दिया, जो आटा की चक्की होती है ऊपर कनक डालने वाला होता है उसमें डाल दिया है। और ये है हमारी छोटी सी आटा चक्की, आटा पीसने वाली। तो ये भी साथ में ही मम्मा ने आटा भी डाल दिया, जो अच्छे से आटा पिसा नहीं होता, मोटा आटा होता है, वो भी मम्मा डाल देते हैं साथ में, जब भी हम कनक वगैरह का आटा पीसते हैं जब साइड में रख देते हैं, जो मोटा आटा होता है जो उसके साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि वो भी एकदम अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे पानी था वो ख़त्म हो गया था, तो हम ऊपर पानी लेने आए हैं, क्योंकि हमारा वाटर फिल्टर जो है ऊपर ही लगा हुआ है, क्योंकि जब नीचे पेंट वगैरह हो रहा था तो हमें ऊपर शिफ्ट होना पड़ा था, तब ही हमने यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया थी वाटर प्यूरीफायर इसलिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारा ओपन है थर्ड फ्लोर वाला सबसे ऊपर, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप कबूतरी नहीं होते, उसके बच्चे हैं दो बिल्कुल छोटे छोटे से, तो मैं आपको इन्हें दिखा रही हूँ, एक इस साइड बैठा और एक उस साइड मुंह करके बैठा हुआ है, मेरे को लगा पहले एक ही है बट दोनों थे यहाँ पे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।